करंट लगने से मजदूर की मौत। सुबह 11 बजे की घटना। मजदूर की पत्नी दोपहर का खाना लेकर फैक्ट्री पहुंची, तब मिली पति को करंट लगने की जानकारी। सुबह से शाम तक मजदूर गोविंद सिंह की पत्नी बच्चे को लेकर DSIIDC फैक्ट्री नंबर F1946 के सामने बैठी रोती रही, लेकिन पति गोविंद जिंदा है या मर गया कोई बताने वाला नहीं था। परिवार का आरोप, पुलिस को दोपहर को ही जानकारी दे दी गई, लेकिन PCR शाम तक नहीं पहुंची। मेरा नाम हयात सिंह। ये कौन सी जगह है, कितना नंबर फैक्ट्री है ये? ये है 1946। अच्छा, किस टाइम क्या घटना घटी थी यहाँ पे? ये 11 बजे के करीब हुआ है हादसा। अच्छा, मेरे लिए मिस कॉल मारी थी। हाँ, इसके उनका जो लड़का है हेल्पर, उसने मिस कॉल मारी थी, तो उसने अपने आप फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसने बात नहीं कराई। अच्छा, क्या कहा? मतलब बात करनी है, उसने बात करते ही मतलब फोन स्विच ऑफ कर दिया। बात, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ काम करते हैं आप? मैं 26 करता हूँ। तो ये आपके क्या लगते थे? ये मेरा बड़ा साला लगता है गोविंद। हाँ। अच्छा, तो अब आपका क्या कहना है, इसे मालिक कुछ गड़बड़ कर रहा है कि मरे है जिंदे है कैसे है क्या है? मतलब इन्फॉर्मेशन तो देनी है। मालिक को 45 फोन लगा दिए, उसने कुछ तो बताना चाहिए कि कहाँ है क्या है। तो आपको बॉडी का पता नहीं लग रहा? पुलिस का पता नहीं है कहाँ है क्या है। पुलिस क्या कह रही है? दो बार तो फोन नंबर पे फोन लगा है। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है? आई नहीं है। फोन नंबर को फोन लगा दिया, वो आई नहीं है। गोविंद सिंह पुत्र डीगर सिंह, उम्र 45 वर्ष, गांव धोलचनिया, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड का निवासी है, जो भोरगढ़ गांव नरेला दिल्ली में किराए पर रहता है। पुलिस क्राइम टीम जांच करने पहुंची। हैरत की बात है, एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो जाती है। फैक्ट्री मालिक खुद को बचाने के लिए मृतक मजदूर को सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट अस्पताल लेकर गया है या कहीं और, ये कोई नहीं जानता। ये आदमी अंदर काम करता था। क्या नाम था? गोविंद सिंह। कितनी उम्र थी उसकी? 40 के करीब। कहाँ का रहने वाला था? उत्तराखंड, अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा। अच्छा, क्या क्या कैसे क्या हुआ उसको? अभी मैं भवाना में काम करता, फोन आया था कि करंट लगने से यहाँ मौत। आप उसके जानकार हैं? अच्छा, फिर क्या पता लगा आपको यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नहीं पता पर बॉडी कहाँ क्या है। बॉडी कहाँ है उसका भी नहीं पता। कब से आप यहाँ पे? मेरे मामा लग गया, इसी में काम करते थे, तो करंट लग गया। क्या नाम था उनका? गोविंद सिंह। कहाँ के रहने वाले थे वो? उत्तराखंड। उत्तराखंड के। कितनी उम्र थी उनकी? 40-42 साल। तो उसके आने के बाद तुमने बॉडी को देखा? बॉडी थी यहाँ पे? नहीं, कोई पता नहीं लग रहा। हाँ, मालिक है। कौन लेके गया बॉडी को? पुलिस लेगी? मालिक जब तक हमें पता चला। सुपरवाइजर, क्या नाम था उसका? संदीप। आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न। आप क्या करते हैं? सुपरवाइजर यहाँ कोई रहता नहीं है। आप क्या करते हैं? सुपरवाइजर कोई रहता ही नहीं है भाई, पड़ोसी फैक्ट्री बोल रहे हो। तो क्या हुआ था, किसको क्या हुआ था ये बताओ। मैं फैक्ट्री आया तो मालूम चला गया करंट लगा, तो करंट लगते हुए लोग उसको लेकर भाग गया। कितने आदमी काम कर रहे थे यहाँ पे? तीन। बाकी ला आदमी कहाँ गए वो? पता नहीं, वो लड़का कहाँ गया। लड़का तो अभी कम से कम 2 बजे तक ही बैठा, उसके बाद चला गया, मालूम नहीं चला। आपने देखा था बॉडी को? जी नहीं। आपने नहीं? फिर आपको कैसे पता सुपरवाइजर लेके गया उसको? नहीं, इसीलिए आए तो पता चला, तो लड़के लेकर चला गया हॉस्पिटल ले गया। मजदूर की पत्नी फैक्ट्री के सामने बैठी रो रही है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका पति कहाँ है। सुबह से खाना नहीं खाया, अपने पति को खाना खिलाना है।